आपने देखा होगा अब पद्म पुरस्कार जब प्राप्त होते हैं इसमें हमारे प्रगतिशील किसान भी स्थान प्राप्त करते हैं। उत्तर प्रदेश का कोई ना कोई प्रगतिशील किसान कभी बाराबंकी से, कभी वाराणसी से, कभी बुलंदशहर से, कभी सहारनपुर से, कोई ना कोई किसान विगत 8 वर्ष के अंदर इस व्यवस्था का हिस्सा बना है और पद्म पुरस्कार से सम्मानित हुआ है। अगर हम देखेंगे उन प्रगतिशील किसानों के कार्यों को, आप देखेंगे कि वास्तव में कितना पोटेंशियल है। उन लोगों ने अपनी मेहनत से, अपने प्रयास से कुछ बेहतरीन करके दिखाया है और उन वे सभी बेहतरीन जो दिखती हैं वो उन ढेर सारी संभावनाओं को प्रदेश के अंदर बताती है। इस दिशा में हम भी प्रयास कर सकते हैं। जैसे प्रदेश के अंदर वर्तमान में हम लोगों ने, किसान अक्सर इस बारे में चर्चा करते थे कि बिजली के बिल हमारे आ रहे हैं, 2017 के पहले तो बिजली ही नहीं मिलती थी, लेकिन 2017 के बाद जब बिजली देनी प्रारंभ भी हुई, जब उसमें शिकायत हुई तो विगत वर्ष सरकार ने भी निर्णय लिया, हम लोगों ने बिजली के खासतौर पर निजी जो किसानों ने ट्यूबवेल के कनेक्शन लिए थे उसमें सरकार ने कुछ सब्सिडी दी, और अब हम लोग सोलर पंप लगा करके, सोलर पैनल दे करके किसान को मुफ्त में बिजली उपलब्ध करवाने की उस व्यवस्था के साथ जोड़ रहे हैं, और अन्नदाता किसान चाहेंगे तो इसके माध्यम से भी वो अपनी इनकम को बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं, क्योंकि अब राज्य शासन ने अपनी पॉलिसी के अंतर्गत नेट बिलिंग और नेट मीटरिंग की कार्रवाई को आगे बढ़ा दिया है, पॉलिसी को स्वीकार कर लिया है। इसका लाभ हमारा अन्नदाता किसान भी पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत ले सकता है और 30,000 किसानों को इस बार सोलर पैनल उपलब्ध करवाने की व्यवस्था के साथ डबल इंजन की सरकार वर्तमान में कार्य कर रही है। लेकिन उसमें ये सभी योजनाओं का लाभ वास्तव में किसान को मिले, और हर बार एक ही किसान को और एक ही गांव में नहीं, अलग अलग जगह पूरे प्रदेश के अंदर सभी लोगों को मिले, पात्रता के हिसाब से मिले, इसमें एक बड़ी भूमिका आपकी हो सकती है। दूसरा, उन्हें तकनीक उपलब्ध कराने में आपकी बड़ी भूमिका हो सकती है। तीसरा, हमें समय के अनुरूप चलना होगा। आपने देखा होगा कोरोना जैसी महामारी का सामना पूरी दुनिया ने किया, कोविड प्रबंधन भारत का सबसे बेहतरीन था। एक सेक्टर ऐसा था जो कोरोना के समय भी जिसकी प्रोडक्टिविटी पर कोई असर नहीं पड़ा, वो कृषि का क्षेत्र था। और कृषि, वास्तव में अगर कृषि के क्षेत्र में हमारा अन्नदाता किसान कार्य नहीं करता, कृषि वैज्ञानिक कार्य नहीं करते, दुनिया इस महामारी से भुखमरी के कगार पर पहुंच गई होती। लेकिन भारत को छोड़ दें तो दुनिया के अंदर कृषि की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही, क्योंकि जिनकी निर्भरता फर्टिलाइजर, केमिकल और पेस्टिसाइड पर ज्यादा थी, उनकी हालत खराब हो गई, क्योंकि फर्टिलाइजर का उत्पादन नहीं हुआ, सप्लाई चेन रुक गई, तो स्वाभाविक रूप से खेती किसानी पर असर पड़ा। और उसका एक बेहतरीन विकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी ने नेशनल प्राकृतिक खेती मिशन के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया, नेचुरल फार्मिंग मिशन को आगे बढ़ा करके इस कार्यक्रम को गति देने की कार्रवाई को यूनियन बजट का हिस्सा बनाया। हम भी उस दिशा में प्रयास कर सकते हैं, भी उसका लाभ ले सकते हैं, और खासतौर पर जो उस व्यवस्था का हिस्सा है कि कम लागत में, तो प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है अन्नदाता किसानों की आमदनी को दुगना करना संभव है, हुआ है। लागत का 1.5 गुना अगर किसान को MSP मिलने लग गई है, आप ये मान करके चल सकते हैं कि यह संभव है, हम उसकी फर्टिलाइजर, केमिकल और पेस्टिसाइड की लागत को कम कर दें। अगर आप केमिकल, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का उपयोग करते हैं, इससे जो लागत पर एकड़ पड़ती है, अगर नेचुरल फार्मिंग से जीवामृत और घनामृत आदि का उपयोग करते हुए आप इसका उपयोग, इस खेती को करेंगे, तो पैदावार में भी बेहतरीन होगा,
लेकिन साथ साथ लागत भी कम आएगी और काफी कम लागत उसमें पर एकड़ 12 से 14 हजार रुपये की बचत किसान को अब तक देखने को मिला है, जहां पर जिन प्रगतिशील किसानों ने इस दिशा में प्रयास किया। और इसलिए नेशनल जो मिशन भारत सरकार ने इस कार्यक्रम के तहत आगे बढ़ाया है, नेचुरल फार्मिंग के अभियान को आगे बढ़ाने के लिए लिया है, इसमें और राज्य सरकार ने भी अपने गंगा के तटवर्ती 27 जनपदों को इसके लिए चयन किया है। बुंदेलखंड के 7 जनपदों को हमने इसके साथ लिया है और हमारा प्रयास है कि यह इन सभी जनपदों को हम जोड़े। वहां पे हम लोग टेस्टिंग लैब स्थापित कर रहे हैं, वहां पर हम लोग अन्य प्रकार से उन्हें सुविधा संपन्न करने की कार्रवाई कर रहे हैं, मास्टर ट्रेनर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 2020 से इस कार्यक्रम के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, लगातार ये कार्यक्रम चल रहे हैं। बहुत सारे अन्नदाता किसानों ने इस दिशा में बहुत अच्छे प्रयास भी किए हैं। हमें भी समय के अनुरूप अपने आप को तैयार करना होगा, लोगों को बताना पड़ेगा। आज इसकी डिमांड है, ग्लोबल वार्मिंग के इस चैलेंज का सामना करने के लिए हम भी इस दिशा में अच्छा प्रयास कर सकते हैं। और उस प्रयास के क्रम में मुझे लगता है कि यह जो प्राविधिक सहायक ग्रुप ए के आज 431 पदों का यहाँ पर नियुक्ति पत्र वितरण की कार्रवाई हो रही है, मेरी आप सबसे अपील करनी, मैं आप सबसे अपील करूंगा। आपने देखा होगा कि आपकी जो परीक्षा हुई है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने की, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आज से 5 साल पहले एक बदनाम केंद्र बन गया था, उसके नाम से ही लोग और युवा उसके मन में एक चिढ़ पैदा होती थी। लोगों को ये लगता था कि ये कहीं ना कहीं यह धोखा कर रहे हैं प्रदेश के युवाओं के साथ, और उस समय जो स्थिति पैदा होती थी वह स्थिति हम सब के लिए चिंताजनक स्थिति पैदा करती थी। प्रदेश का युवा आंदोलनरत था, 6-7 साल पहले की स्थिति क्या थी, सीबीआई की इंक्वायरी करानी पड़ी थी, ढेर सारी चीजें सामने आई थी, वहां भेदभाव की शिकायतें, भ्रष्टाचार की शिकायतें, और कभी कभी तो ऐसा भी दिखता था कि जो व्यक्ति चेयरमैन के योग्य नहीं उस व्यक्ति को चेयरमैन बना दिया गया था, जो उसके लिए एलिजिबल नहीं उस प्रकार का व्यक्ति वहां चेयरमैन बनकर के चयन की प्रक्रिया को भ्रष्टाचार की गर्त में भेजता था। लेकिन पिछले 5-5.5 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा चयन की प्रक्रिया में बिना भेदभाव की पूरी ईमानदारी और पूरी पारदर्शिता के साथ चयन की पूरी प्रक्रिया हुई, और चयन की प्रक्रिया को संपन्न करने के बाद नियुक्ति की प्रक्रिया वेरिफिकेशन के बाद आज संपन्न भी हो रही है। नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ आप सब जुड़ रहे हैं। अगर आपको चयन की पूरी प्रक्रिया में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता मिली, नियुक्ति पत्र में आपको उसी एनआईसी के पोर्टल का उपयोग करते हुए पूरी ईमानदारी के साथ नियुक्ति पत्र भी वितरित किए जा रहे हैं, और आपके फिर नियुक्ति के लिए आपको उन क्षेत्रों में जहां पे आपको अपने क्षेत्र में कार्य करना है वहां पर उसी पारदर्शी तरीके से कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है, शासन भी आपसे अपेक्षा करता है कि आप उसी ईमानदारी और पारदर्शी तरीके से प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे करके प्रदेश के कृषि क्षेत्र में विकास की रफ्तार को डबल डिजिट में पहुंचाने में अपना योगदान दें। एक ये कार्य आप बहुत अच्छे ढंग से संपन्न कर सकते हैं। अन्नदाता किसानों के साथ बेहतरीन संवाद बनाना है, संवाद बना करके उन्हें सदैव इस व्यवस्था के साथ जोड़े रखना, यह भी हमें इसके साथ आगे करना, इसको हमें इसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा। इसके लिए हम हमेशा अपने को तैयार, अपने स्वयं को इस जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं उस फील्ड में कार्य करते हुए न केवल अपनी फील्ड की जानकारी बल्कि केंद्र और राज्य शासन की इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं आती हैं, जो स्कीम है,
उनकी जानकारी लेना, प्रगतिशील किसानों के साथ बैठना, किसानों के समूह को इसके लिए अपडेट करना और लगातार उनके साथ संवाद बना करके शासन की योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के साथ अगर हम जुड़ सकेंगे तो बेहतरीन परिणाम आ सकते हैं। मेरा ये मानना है कि जो हम लोग बार बार इस बात को कहते हैं, प्रधानमंत्री जी के मंशा के अनुरूप कि भारत की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी, उत्तर प्रदेश जैसा राज्य उसमें $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनकर के योगदान देगा, स्वाभाविक रूप से हमारा भी दायित्व तो बनता है कि हम भी जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उसमें हम भी इसमें अपना योगदान दे सकें, कृषि क्षेत्र में विकास की दर को बढ़ा करके, अन्नदाता किसान के जीवन में परिवर्तन ला करके, शासन की योजनाओं से उन्हें जोड़ करके, विभिन्न प्रकार की योजनाओं की जानकारी उन्हें उपलब्ध करवा करके, हम भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करके अपने प्रदेश के बारे में, अपने जनपद के बारे में बहुत कुछ जानकारी दे सकते हैं। आज मैं देखता हूँ प्रदेश के अंदर कहीं भी मैं जाता हूँ, हमारे प्रगतिशील किसानों ने बहुत सारी जगह बहुत अच्छा काम किया है। प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात के कार्यक्रम में बहुत बार इसका उल्लेख भी करते हैं, बहुत बार करते हैं। मैं देखता हूँ कोई किसान सुल्तानपुर में ड्रैगन फूड का उत्पादन कर रहा है, कोई किसान किसी अन्य फील्ड में काम कर रहा है, अलग अलग प्रकार से। और मैं तो अभी बिजनौर में गया था, मुझे वहां एक प्रगतिशील किसान मिले और उनकी सफलता की कहानी को हमने वहां देखा, कैसे उन्होंने 6 एकड़ खेती में सफलता की एक नई कहानी गढ़ी। वो वास्तव में हर एक अन्नदाता किसान के लिए प्रेरणादायी हो सकता है कि उन्होंने 6 एकड़ खेती में 1 करोड़ प्रतिवर्ष की कमाई वह किसान अकेले बिजनौर जनपद में कर रहा है। एक किसान मुझे मुरादाबाद में ऐसा मिला जिसने अपने क्षेत्र में कार्य करते हुए अपनी खेती को ही उन्होंने एक्सपोर्ट का एक माध्यम बनाया। हम भी उसमें सहायक हो सकते हैं, ढेर सारे किसानों को इसके लिए प्रेरित कर सकते हैं, सब फसली लेने के साथ उसे जोड़ सकते हैं। नेचुरल फार्मिंग की जो वर्तमान व्यवस्था है इसके साथ जुड़ करके खेती की लागत को हम भी कम करने में सहायक हो सकते हैं। खेती किसानी के साथ साथ बागवानी के लिए सब्जी साग भाजी उत्पादन करने के लिए और साथ साथ पशुपालन के क्षेत्र में भी उन्नत पशुधन हो इसके में भी हम भी सहायक बन सकते हैं, उनको सहयोग कर सकते हैं, उनके सहायक बनकर के शासन की स्कीम के साथ जोड़ करके एक व्यक्ति को उसके साथ जोड़ने में योगदान दे सकते हैं। प्रयास करना होता है, आपका कार्य आपका एक मॉडल बन सकता है और फिर वह आपके नाम से जाना जाएगा। लोग उसके बारे में आपको बार बार याद करेंगे कि उस व्यक्ति ने यहाँ पे इस रूप में काम किया था और उसके परिणाम ये हमारे सामने इस रूप में सामने आए हैं। हमें उसके लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा और मुझे विश्वास है कि शासन की मंशा के अनुरूप एक पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करना, केंद्र और राज्य शासन की किसानों से संबंधित, खेती किसानी से संबंधित जितनी भी स्कीम है इन सबको जानकारी रखना, फिर अन्नदाता विभागीय योजनाओं के साथ साथ अन्नदाता किसानों के साथ बेहतरीन संवाद बनाना, फील्ड विजिट करना, ये केवल कार्यालय औपचारिकता तक सीमित न हो बल्कि फील्ड में जाकर के लोगों के साथ मिलना, संवाद बनाना और उसमें हम कुछ नया क्या कर सकते हैं इसमें भी अगर आप थोड़ा बहुत योगदान दे सकेंगे तो हम उत्तर प्रदेश को देश की इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन के रूप में आगे बढ़ाने में हमें भारी सफलता प्राप्त हो सकती है। दूसरा कार्य है, हम लोगों ने वर्तमान में प्रदेश के अंदर 100 विकास खंडों को, इन्हें एस्पिरेशनल विकास खंड के रूप में हम लोगों ने नीति आयोग के सहयोग से चयनित किया है। यह आकांक्षात्मक विकास खंड है जिनकी विकास की दर अन्य विकास खंडों की तुलना में कमजोर है, उन्हें सामान्य विकास खंडों की तर्ज पर विकास की रफ्तार के साथ जोड़ने के लिए
हमने 100 ऐसे विकासखंड चिन्हित किए हैं जिन पर अतिरिक्त प्रयास करना है। आप में से बहुत सारे आवधिक सहायक उन एस्पिरेशनल विकास खंड में जाएंगे। वहां पे हमने पहले से एक एक सीएम फेलोज की भी तैनाती की है जो हमें हर दिन की घटना के साथ वहां बताता है कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या हो रहा है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या हो रहा है, कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में क्या हो रहा है, स्किल डेवलपमेंट और रोजगार के क्षेत्र में क्या हो रहा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन में क्या हम वहां पे प्रगति कर रहे हैं। ये जो 6 पैरामीटर दिए गए हैं, इन 6 पैरामीटर पर वहां पर कार्य हो रहा है। और उस पैरामीटर के साथ जो मैंने बताया कि एक प्रमुख पैरामीटर प्रदेश उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की दृष्टि अगर आप देखेंगे तो उसमें कृषि और जल संसाधन भी है। ये 6 पैरामीटर हैं और उस 6 पैरामीटर को हम हर महीने मुख्यमंत्री कार्यालय देखता है, लेकिन नियोजन विभाग जो उसका नोडल विभाग है वह हर सप्ताह उसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। संबंधित विभाग प्रतिदिन उस चीज की समीक्षा कर रहे हैं शासन स्तर पर भी, और मुझे लगता है कि उसमें आपकी बड़ी जिम्मेदारी होगी उन विकास खंडों में जाकर के बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए अपने आप को तैयार करना, और वहां पर हम लोग उन विकास खंडों को सामान्य विकास खंडों की तर्ज पर विकसित करने में हम लोग भी योगदान दे सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर विकास की प्रक्रिया सब जगह समान रूप से हो तो स्वाभाविक रूप से कहीं भी कोई अव्यवस्था की शिकायत नहीं करेगा, और हमें उस दिशा में प्रयास करना चाहिए। उत्तर प्रदेश ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के परिणाम को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाया है, बहुत अच्छे परिणाम उसके सामने आए हैं। जब 2018-19 में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट नीति आयोग ने चिन्हित किए थे, देश के अंदर 112 थे, उनमें से 8 यूपी के थे। जब उत्तर प्रदेश के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की चर्चा हुई थी उस समय देश के अंदर इनकी विकास की दर और इनकी रैंकिंग जब हुई थी तो यह सभी बहुत पीछे थे। कोई 108 पे था, कोई 110 पे था, कोई 105 पे था, बहुत खराब स्थिति में थे। लेकिन पिछले 4-5 वर्षों के अंदर नीति आयोग के साथ मिलकर के बेहतरीन समन्वय बनाते हुए हम लोगों ने वहां पर जब कार्य प्रारंभ किया, आज आपको आश्चर्य होगा कि कोविड-19 के बावजूद हमारे 8 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में विकास की दर देश के अंदर जिन जो टॉप के 10 जनपद हैं जिन पे अच्छा कार्य हुआ है उनमें से 5 उत्तर प्रदेश के थे, और टॉप 20 में उत्तर प्रदेश के सभी 8 जनपद थे। इसका मतलब हमने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में, रोजगार और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में, फाइनेंशियल इंक्लूजन के क्षेत्र में वहां पर कुछ अच्छा किया है, और जिसका परिणाम है कि नीति आयोग के भी तमाम प्रकार के पुरस्कार उन जनपदों को प्राप्त हुए हैं। हमारा भी प्रयास होना चाहिए कि हम भी अपने उन विकास खंडों की तरफ देखें, उन जनपदों में देखें हम भी कैसे इसमें योगदान दे सकते हैं, और अन्नदाता किसान की लागत को कम कराने, उनके उत्पादकता को तेज करने, शासन की योजनाओं के साथ उन्हें जोड़ने और लगातार उनके साथ संवाद बना करके अगर हम लोग ईमानदारी के साथ कार्य करेंगे, शासन की मंशा के अनुरूप कार्य करेंगे तो कहीं भी कोई शिकायत की गुंजाइश नहीं रहेगी। मैं एक बार फिर से आप सबका आज यहाँ पर चयन की प्रक्रिया के साथ यहाँ पर नियुक्ति पत्र वितरण का एक कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मैं इसके लिए सभी नवनियुक्त कृषि प्रावधिक सहायकों को, उनके अभिभावकों को, उनके परिवार के सभी सदस्यों को हृदय से बधाई देता हूँ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को इस चयन की प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संपन्न करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ, और मुझे विश्वास है कि आप सब बेहतरीन प्रदर्शन के माध्यम से उत्तर प्रदेश की कृषि विकास की दर को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।